हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पूरा देश चिंतित, स्वामी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए पूरा देश चिंतित है और हम किसी से डरते नहीं हैं। ये बात उन्होंने रविवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से कही। वे यहाँ न्यायाधिपति संगीर लोढ़ा की पुत्री के विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए आए थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पास देश के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी भरा मेल मिलने के सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में एसपीजी के पास बहुत ही सामर्थ्य और काबिल फौज है। स्वामी ने कहा कि हमारे पास दुनिया की इंटेलिजेंस से खबर मिलती है तो ये कोई आसान बात नहीं है। उन्होंने महिला उत्पीड़न उजागर करने वाले सोशल मीडिया पर चल रहे #MeToo अभियान के सवाल पर कहा कि मैं मीटू का स्वागत करता हूँ, ये होना चाहिए। बहुत से लोगों ने बहुत दिनों से महिलाओं को शर्मिंदा करके उन्हें दबाए रखा है। वैसे इसमें खतरा तो है कि कोई झूठा आरोप भी लगा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि महिलाओं को साहस कर जब भी उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो वो सार्वजनिक करना चाहिए। स्वामी ने अयोध्या में मंदिर के सवाल पर कहा कि अभी दो याचिकाएं बाकी हैं, मेरी जल्द ही जीत हो जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मेरा मानना है कि आस्था के अनुसार राम वहां पैदा हुए, ये बात सारे हिंदू मानते हैं, मूलभूत अधिकार है। मेरी जो याचिका है उसे सुप्रीम कोर्ट आसानी से मान लेगी। उन्होंने कहा, मैं 2-3 महीनों में ये देखूंगा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। स्वामी ने सन 2019 के चुनाव पर कहा, उस वक्त मैं देखूंगा कि सोनिया, राहुल और चिदंबरम जेल में होंगे। उन्होंने राजस्थान में चुनाव के सवाल पर कहा कि वसुंधरा राजे बहादुर महिला हैं, वे राजस्थान की जो प्रतिष्ठा और सम्मान को कायम रखने में सबसे आगे हैं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।